की सरकार ने खरीफ की 14 फसलों समेत कुल 17 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। दिल्ली में एक 5 साल की बच्ची को उसकी सगी मां ने इस झुलसा देने वाली कड़ी धूप में छत पर बांधकर डाल दिया गया। बच्ची लगातार कराहती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। जानकारी के मुताबिक बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था, जिस कारण उसको यह सजा मिली। मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। देश में जब भीषण गर्मी होती है तो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस समय पूरा प्रदेश खुद गर्मी की तपिश झेल रहा है। जहां हरिद्वार में जून महीने में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं अक्सर ठंडी रहने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी में भी तापमान बढ़ा हुआ है। अगले 24 घंटे मौसम विभाग ने गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि बारिश के लिए अभी इंतजार लंबा है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण विस्फोट करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बार फिर से विमान यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। IAS सूर्यपाल गंगवार ने आज लखनऊ DM का चार्ज ले लिया। करीब 3.5 साल तक लखनऊ जिलाधिकारी की कुर्सी संभालने वाले अभिषेक प्रकाश ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में सूर्यपाल को चार्ज सौंपा। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा, शासन की जो भी प्राथमिकताएं होगी उनका समय पर पालन होगा। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक पात्रों को मिले, यह सुनिश्चित होगा। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसकी और पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी। भाजपा ने UP विधान परिषद चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित उन सभी मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया है जो कि अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। पार्टी ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, JPS राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारीलाल दोहरे और मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।